बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं आया हूँ वादी नीला में, खूबसूरत वादी है। यहाँ पे हुई हसीन वफाल बहुत ज़्यादा। अगर बात की जाए यहाँ की, और यहाँ पे जो कच्चे मकान होते हैं उन पर बर्फ़ जब पड़ जाती है बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, उसके बाद उसको हटाने के लिए लकड़ से एक औजार तैयार किया जाता है, जिससे वो लोग घरों अपने कच्चे जो मकान होते हैं उनसे बर्फ़ को हटाते हैं। बर्फ़ को क्यों हटाते हैं? बर्फ़ को इसलिए हटाते हैं क्योंकि ये मिट्टी के बने हुए मकान होते हैं, यहाँ से इसके अंदर पानी चला जाता है और जो रहने वाले लोग होते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए ऊपर से बर्फ़ को हटाते हैं। साथ इसकी एक रीज़न और भी है कि यहाँ पे जो मकान होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, उसके ऊपर जो बर्फ़ पड़ती है, स्नो होती है, इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है, इस वजह से इसको हटाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे एक ये खूबसूरत मनाजर है। जब ये बर्फ़ हटा रहे हैं, ये लकड़ से एक औजार होता है जिससे तैयार करते हुए, ये दिखाएं जरा मुझे, ये देखें, ये होता है, ये काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। ये देख लें, इसमें एक ये लकड़ है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ एक चादर भी होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं भी ट्राई करता हूँ, अल्लाह करे देखें, मुश्किल काम है ये, ऐसे करते हैं जोर। ये देखें, ये आप आगे से नीचे, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाया, नीचे बर्फ़ गिरने के कितने खूबसूरत मनाजर होते हैं, ये गई, और ये बड़ा बहुत अच्छा आदमी काम करना पड़ता है। ऐसे करते हैं, ये बहुत काफी ये और मुझे खैर मेरा सांस फूल जाता है, मैंने इस तरह के कभी काम किए नहीं है, काफी मुश्किल काम होता है मेरे लिए, पैदल चलने में काफी मुश्किल है। और जिन लोगों ने आना है कश्मीर आए, वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है, और कौन बंदा कहाँ स्नोफॉल को इन्जॉय कर रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे होम एंटरटेनमेंट टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिलहाल इतना ही, मुर्ताज़ सईद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।